वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टीवन विलियम हॉकिंग के बारे में, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने स्पेस के बारे में भी स्टडी की थी, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में भी बताया था, एंड उनकी एक बुक भी थी स्टीवन हॉकिंग द ग्रैंड डिज़ाइन। एंड वो बॉर्न हुए थे ऑक्सफोर्ड सिटी। ऑक्सफोर्ड में उनकी फैमिली जो थी वो डॉक्टर्स की थी, एंड उनकी वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में गए, एंड तब उनके बाद जब वो 17 इयर्स के थे वो सीढ़ियों से गिर गए थे, एंड डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि ये सिर्फ 2 इयर्स तक ही जिंदा रहेंगे, पर स्टीवन विलियम हॉकिंग ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं 2 इयर्स तक जिंदा रहूँगा, पर मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। एंड उन्होंने उसके बीच में ही बुक लिखी, एंड वो 8 जनवरी 1942 में बॉर्न हुए थे, एंड वो डाए हुए थे 14 मार्च 2018 में इन यूनाइटेड किंगडम। उनके 3 चिल्ड्रंस थे, एंड वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एंड उन्होंने डॉक्टर की बात को साइड पे रख के एक कुछ बड़ा कर दिखाया अपनी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद। इवन उनको बोलने के लिए भी मशीन का यूज़ करना पड़ता था। गाइस, हाँ जी, स्टीवन विलियम हॉकिंग जो यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड में बॉर्न हुए थे। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।